नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम SAF ग्राउंड में आयोजित कीनगा, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सुबेरे 9 बजे ध्वजारोहण करीने के बाद विधानसभा अध्यक्ष परेड के निरीक्षण करे के बाद मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के संदेश का वाचन करी। एक उपरांत में ही समारोह में आकर्षक मार्च पास्ट कीनगा, साथ है विभिन्न विभाग आकर्षक झांकी प्रस्तुत करी। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर इलाया राजा टी, नगर निगम कार्यालय में नगर निगम आयुक्त ध्वजारोहण करी आई अपना का दिखाए थे कार्यक्रम की झलकी और सुनाए थे मुख्यमंत्री का प्रदेश के जनता के नाम संदेश। गणतंत्र दिवस के नाम का संदेश। प्रदेश वासियों, भारतीय गणतंत्र के 13वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जनगण के जयघोष के साथ आजादी के अमृतकाल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के 1 अनुच्छेद को अपनी प्रखर प्रतिभा से अभिषेक किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर में ही राज्य सरकार 19 कैदी का रिहा करे के आदेश दिन, जोने में ही 18 पुरुष और 1 महिला कैदी शामिल रही। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के जारी आदेश के तहत केंद्रीय जेल रीवा से अच्छा आचरण करे वाले कैदी का रिहा कीनगा। रिहा कैदी में रामकेश पटेल ललाऊ उर्फ लल्ला, लक्ष्मण उर्फ बब्बू, विनोद कुमार तिवारी, शिवदत्त विश्वकर्मा, हीरा सिंह, शीतल सिंह, तेज मणि रजक, अन्य और कैदी का केंद्रीय जेल से रिहा कीनगा हबे। कैसे आप आ गए थे जेल के अंदर, बताइए अपने बारे में। क्या संदेश देंगे अब आगे लोगों को? आगे अब क्या संदेश? क्या नाम है आपका? तेज मणि रजक नाम है। किस जुर्म में? प्रसाद रजक। किस जुर्म में मैं अंदर हुए? 302 में अब छूटने के बाद आप क्या संदेश देने वाले हैं? यही संदेश है, कभी कोई यहाँ ना आए, सभी अच्छी जिंदगी गुजारने यहाँ ना आना पड़ेगा। तो कैसे हो गया था ये घटना? दुर्घटना है साहब, गुस्से में हुई थी? नहीं साहब, लाठी डंडा लग गया चोट। एक तरह पूरा जिला जहां गणतंत्र दिवस के झंडा वंदन करे में व्यस्त रहा, वही समय में स्थानीय लोग पुलिस का सूचना दिहिन के मनगवा थाना क्षेत्र के आंबी पुल के नीचे कोनो विस्फोटक पदार्थ रखा है, जोने की जानकारी लगता है पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचिगा। आनंद फानन में ही वरिष्ठ अधिकारी मौके में पहुंचे और बम निरोधक दस्ता का बुलाये, जोने के बाद बम का डिफ्यूज कीनगा। हालांकि यह हरकत करो शरारती तत्व के मानी जा रहा है। एक पहले गढ़ और सुहागी थाना क्षेत्र में सिलेंडर और 100 बम जैसे चीज मिले के बात आई रही है, जो माही बम निरोधक दस्ता डिफ्यूज करे रहे। डाउट हुआ कि संभावित बम हो सकता है, तत्काल इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, वरिष्ठ अधिकारियों को द्वारा वहाँ से BDS टीम को भेज दिया गया। आर एस पी साहब हमारे एडी साहब को कहा था, उसको अपने सर्विलेंस में ले लिया गया और उसमें तत्परता से जो कार्रवाई बन सकती थी वो कार्रवाई कराई गई। BDS टीम ने यहाँ आकर बड़े एहतियात के तहत जो भी कार्रवाई उसको डिफ्यूज करने के लिए की जानी थी, उन्होंने लग के इसको डिफ्यूज किया, अपनी जान को खतरे में डाल के, और इसके बाद वो बम डिफ्यूज कर लिया गया है। आगे कार्रवाई किसने किया है, कैसे किया गया है, कौन है इसके पीछे, उसके बारे में पुलिस पता साझी कर। विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ही बड़े धूमधाम के साथ 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर में ही ध्वजारोहण कीनगा, साथ है राष्ट्रगान गाय के तिरंगा झंडा का सलामी दीन गए। इस समय विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर BP मिश्रा उपस्थित जनन का संबोधित कई के भारतीय संविधान के अनुसार अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करे के बात कही। अवसर में ही हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विशाल मिश्रा, यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रश्मि मिश्रा, डॉक्टर पंकज जायसवाल के साथ है समस्त स्टाफ मौजूद रहे। कामना 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है, जिस तरह 15 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन है, यह हमारे राष्ट्रीय पर्व का दिन है। क्या आपने कभी ये सोचा कि 26 जनवरी को ही क्यों? आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, हमारा देश गणतंत्र हुआ, लेकिन क्या कभी सोचा कि 26 जनवरी क्यों, 25 जनवरी, 27 जनवरी क्यों नहीं?
कलेक्टर के निरीक्षण के समय छात्रावास के अधीक्षक का अनुपस्थित पाए जाने के बाद उनका निलंबन की कार्रवाई की गई रही। जो उनके खबर छपते अधीक्षक का जानकारी लगी तो उनका गहरा आघात लगा। उसके बाद उनका अस्पताल लेके परिजन पहुंचे जहां उनका डॉक्टर मृत घोषित कर दिन। वह मौत से आक्रोशित परिजन सब कलय के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं जहां अनुकंपा नियुक्ति के साथ है बैंक से लीन ऋण माफ कराए के मांग करी। और मौके पर पहुंचे एसडीएम और नायब तहसीलदार वही मामले का जांच कराए के अनुकंपा नियुक्ति और आगे के कार्रवाई के आश्वासन देने पे। पापा की डेथ हो गई सर ने वो कलेक्टर साहब ने दिया था कल सस्पेंशन ऑर्डर लगभग 2 बजे के लगभग। आज सुबह उठे पेपर में छाप दिया इसीलिए वो पेपर पढ़े उसके बाद देखा एक उनको पैरालाइज हो गया पूरा। फिर हम लोग लेके गए सुबह भाग के वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल भर्ती किए स्पेशलिस्ट ख़त्म हो गए पूरा रोड एंड ख़त्म हो गए। यहाँ लेके आए क्या यहाँ इसीलिए लेके आए कि हमारी ये था कि हमें नौकरी चाहिए प्लस हमारा हमारे पापा ने लिया था 15-16 लाख रुपए शादी के लिए लोन इसके लिए कुछ सर ने बोला कि होगा देखेंगे। ये हॉस्टल जाति के अधीक्षक हैं उनकी अध्यक्ष विद्यालय से शुरू हो गई थी इसी को लेकर के परिजन यहाँ पर आए हुए थे सर इनकी क्या मांगे थी? इनकी मांगे ये थी कि पिता जी के द्वारा कोई लोन लिया गया है एचडीएफसी बैंक से उस लोन को लेकर बात करना चाहते थे अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के और जो राशि मिलने वाली है आपकी सहमति सर मेरी जो प्रकरण है अभी निलंबन का आदेश भी जारी हुआ था उसके बाद इनकी मौत हुई। हाँ उनके ऊपर पहले से भी विभागीय कार्यवाही और कई चल रहे हैं प्रकरण उनके सारे प्रकरणों को समर्पित करके एक साथ करके खात्मा करके उसके पास जाती है जो भी अनुकंपा नियुक्ति और जो क्लेम राशि होगी उसको क्लियर कर। तभी वही आज के बुलेटिन में इतने बघेली में समाचार देखे के लाने देखत रही हमारे विंध के बघेली समाचार साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। नमस्कार।